आज से 24 फरवरी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन गौंड बब्बा सिद्धाश्रम खाती बाबा पर किया जाएगा। रविवार को खाती बाबा स्थित गौंड बाबा मंदिर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पंडित आचार्य विनोद चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मंदिर प्रांगण में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं कथा 18 पुराण पूजन एवं यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृंदावन धाम से कृष्णचंद्र शास्त्री के सुपुत्र इंद्रेश उपाध्याय वृंदावन धाम के द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। कथा का समय 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। 17 फरवरी को सुबह 10 बजे भारत माता मंदिर से कार्यक्रम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस वार्ता का आयोजन सर्व धर्म कल्याण की कामना से और संगीतमय श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक गौड़ बाबा सिद्धाश्रम में समस्त भक्त मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। और ये इसमें 18 तारीख को शिवरात्रि महापर्व पड़ेगा, उसमें पूज्य महाराज जी कथावाचक जो हैं विश्वविख्यात कथावाचक और श्री कृष्णचंद्र शास्त्री बड़े ठाकुर जी जो हैं वृंदावन के, उनके चिरंजीव पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के द्वारा कथा का वाचन ठीक 1 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। और प्रातःकालीन समय में गौड़ बाबा परिसर में यज्ञ होगा, उसमें 18 पुराणों का पूजन और यज्ञ प्रतिदिन 8 बजे से और 11 बजे तक चलेगा। ठीक 1 बजे से संगीतकार हमारे व्यासपीठ पर अपने आसन ग्रहण करेंगे और वहां पर बैठ करके वो भजन, और 2 बजे से पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी वृंदावन धाम से आकर के हमारे झांसी में और कथा का गौड़ बाबा आश्रम परिसर में कथा का वाचन करेंगे। कार्यक्रम में कितने लोगों के बैठने की क्या है, उनके आने की बैठने की लगभग 5,000 से 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ा डूम पंडाल लगाया गया है आयोजक मंडल के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से। इसमें मुख्य यजमान श्री प्रदीप जिजोतिया, अनीता जिजोतिया, बेटी प्रिया और हिमानी जिजोतिया हैं। बाकी हमारे आयोजक मंडल में पंडित मैथिली मुदगिल जी, फूलचंद द्विवेदी जी, बंटू मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, पंडित अनिल सुड़ेले जी और शशिकांत द्विवेदी जी, ए के सोनी जी, रामाश्रय गुप्ता जी और हमारे सभी अरविंद भैया, अनिल तिवारी जी और मुख्य संचालन पंडित श्री राम शरण चतुर्वेदी जी के। ये बुंदेलखंड का भव्य आयोजन है और सभी लोग इसमें उपस्थित हों, ऐसी सब लोगों से निवेदन और प्रार्थना है।